वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम सीडीएसएल स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट भी आप देखने वाले। तो सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक यानी कि सीडीएसएल स्टॉक की बात की जाए तो आने वाले वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं सीडीएसएल स्टॉक के लिए, वो भी यहाँ पे हम चेक करने वाले। कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देंगे वो भी लेवल्स यहाँ पे हम चेक करने वाले। तो सीडीएसएल स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते हो कि तकरीबन सीडीएसएल स्टॉक की बात की जाए तो रिसेंटली देख सकते हो कि मंथली जो प्यूट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 1213 लेवल पे है सीडीएसएल स्टॉक के लिए इस मंथ का। तो देख सकते हो कि सीडीएसएल स्टॉक पिछले 2 दिनों से यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ चुका है वो लेवल का, जबकि वो लेवल को यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर ब्रेक करके ऊपर चला गया था, फिर से यहाँ पे मंथली प्यूट को ब्रेक करके वो नीचे गिरावट हो चुकी थी। पर नीचे गिरावट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो उसी लेवल का यहाँ पे जो सीडीएसएल स्टॉक है रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। पर नीचे भी आता है तो नीचे ज्यादा आने के चांसेस कम है, क्योंकि 1170 लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्टिव बन सकते हो, क्योंकि पिछले मंथ में यहाँ पे आप देख सकते रेजिस्टेंस जो लिया था यहाँ पे सीडीएसएल स्टॉक ने वो 1175 टू 1170 लेवल पे लिया था। तो वो लेवल यहाँ पे इस मंथ में सपोर्टिव एक्ट होने के चांसेस दिखाई देंगे, और यहाँ पे उस लेवल पे सपोर्ट भी लिया गया था एक कैंडल ने यहाँ पे आप देख सकते थर्सडे के दिन। तो यहाँ पे देख सकते कि जबकि मंथली प्यूट ब्रेक होगा तो और अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है सीडीएसएल स्टॉक में, और ऊपर जाने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते ऐसे यहाँ पे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कैंडल आती है तो अच्छा ब्रेकआउट मिलकर एक अच्छा बाउंस बैक कर सकता है सीडीएसएल स्टॉक बाइंग साइड में। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं सीडीएसएल स्टॉक के लिए।